नमस्कार, इंडिया मिट टीवी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे विधानसभा हलका फाजिलका की एक बहुत बड़ी कवरेज। कांग्रेस लीडरशिप ने एक प्रोग्राम रखा है जिसको लेकर, मंदी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, बढ़ती डीजल और तेल की कीमतें को लेकर सेंटर सरकार के खिलाफ एक रोष मुजहरा किया जा रहा है। भूतपूर्व MLA देवेंद्र सिंह घुबाया, भूतपूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चेयर सिंह जी घुबाया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहन सिंह जी फलियावाला, अनेका कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हो, उनके विचार सुनो, किन किन मुद्दों पे उन्होंने रोष मुजहरा सेंटर के खिलाफ कर रहे हैं। उतो के वर्करों इकट्ठे करके महंगाई के खिलाफ सेंटर की केंद्र की सरकार कन खोलन वास्ते अज शुरुआत की गई है। तो इस करके जो आप सारे जानते हैं कि अच्छ महंगाई कितने पहुंच चुकी है। जदों इन्हों की सरकार बनी सी तो उस दिन उन्होंने एक इनारा सी कि चंगे दिन लेके आवेंगे, चंगे दिन। अब देखो उस वेले से डीजल पेट्रोल से अज का फर्क कर लो कि फर्क है। रसोई गैस तक चली गई, इस तरह महंगाई जी है डीजल से पेट्रोल के नाल सारी चीज जी है वो जुड़ी हुई है। ट्रांसपोर्ट जुड़ी है, एजुकेशन जुड़ी है, सारे इस गल का बहुत वाला लाभ जो देश के लोगों को है। एक गरीब लोगों को सहन तो बहर हो चुके हैं। अब लोग इन्ने कंफ्यूज हो चुके हैं कि उन्होंने कोल सवेरे शाम को खाने वास्ते जेब में पैसे नहीं होंगे कि वह उसका राशन लिया के मजदूरी करके अपना पेट भर लें। तो इस करके ये सरकार जेकर इस तरह, क्योंकि ये मैं समझा कि BJP की सरकार ही ठेके से चली हुई सरकार है। अंबानी अडानी से जो बड़े घराने हैं उन्होंने इन्होंने कैप्चर किया है कि तुम काम करने की लोड़ नहीं, अभी थोड़ा पैसा अपने आप लोगों के जेबा चो कट के खून करके थोड़े असी जेड़े कोठियां भरेंगे। इस तरह का जरा एक कानून बना के इन्होंने साडे देश उपर थोपे है। इस फिर सानू अज लोड़ है, क्योंकि देश में होर कोई पार्टी इस तरह का संघर्ष करने वास्ते तैयार नहीं। कांग्रेस ने पहल की तो कांग्रेस ही इन्हों का मुकाबला कर सकती है। इस करके आप अच सारे इतने आए हैं, आप अगे भी जेकर कितने कोई लोड़ पैनी है। कल अज का एक तरह का एक मेमोरेंडम है कि असी ये सरकार को देिए कि सदियां ये चीज़ा की जी महंगाई दिनों दिन डीजल तुम देख लो 90 रुपए तो पार कर गया, पेट्रोल 100 रुपए तो पार कर गया। ये सारिया चीज़ा जीडिया महंगी होंगे जा रही। तो इस करके इस आवाज चकन वास्ते आप सारे कट्ठे होए हैं। जितने लोड़ पैगी वे भी कट करके सरकार के खिलाफ लपम लड़ना पै सकता है, क्योंकि आज किसान जे बेचारे साल पूरा उसे बॉर्डर से दिल्ली के जेडे बॉर्डर से बैठ के जिन्हिया कुर्बानियां कीतियां, फिर मसा जाके उन्होंने लग्या कि साढ़े पिंड जो इलेक्शन है लोगों ने सानू घेर लेना है, तो सानू लोगों ने वोटा मंगन तक ही घरों नहीं निकल देना, तो जाके उन्होंने ये कानून जो काले कानून है वापस लाए हैं। जिन्हिया कुर्बानियां दिखाई गई हैं उस जे कानून वापस लाए उन्होंने खिलाफ जिन्ना जे लोग शहीद होए हैं उन्होंने अब तक कितने कोई कंपनसेट नहीं किया, कोई सहूलत नहीं दी। तो इस करके सरकार चाहती है कि देश के लोगों होर मारा जाए, कोई उपर सिर चुकन वाला ना हो, सामने कोई बोलन वाला ना हो। इस करके महंगाई इन्नी कोई कर दौ कि लोग जे सामने बोल ना सकन, साढ़े तो मंगते फिर कि सरकार जी सानू दो, साढ़े को खाने को नहीं है, साढ़े को पीने नहीं है। इस तरह का माहौल जरा इन्होंने पैदा करता है। तो इस करके अच्छ मैं पिछले दिन पता लगे कि जो आप देख रहे हैं कि सानू बिजली संकट जरा पंजाब नवी बनी सरकार हमने ही पैदा हो गया। उन्होंने जवाब देता कि साढ़े कोला नहीं है, कोला तुम अपने तौर पर प्रबंध करो, और बार दिन देशों के वो कोला लो, क्योंकि ठेके उत्थे अंबानी अडानी के सीधा फायदा उन्होंने देने वास्ते पूरे देश दियां कॉलोनियां साढ़े इंडिया के कोले की कमी नहीं, पर इतने भी ठेके जो दिते गए वीरो ठेके इन्हों लोगों दिते गए अंबानी अडानी, क्योंकि मैं आप उस स्टैंडिंग कमेटी के प्रोडक्शन नहीं करनी साढ़े देश उन्होंने कॉलोनियां लैके उन्होंने काम नहीं कर रहा है, उन्होंने कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, कि अपने आप लोग मजबूर हो गए बाहरों कोला मंगवाओगे बाहरों महंगा कोला मिलेगा। इस तरह के जो कंडे जोड़े है ये केंद्र की सरकार जी वर्त रही है। अच्छ सू लोड़ है होर तगड़े हो गए जे कि
मौका मिलता है संघर्ष करने वास्ते इन्हों आप घेरना पेगा ता जाके जो मसले है ये हल हो सकते हैं। और इस अलावा तो पंजाब की सरकार जो महीने तो घट का समा होया जो देखो ये की हालात इतने होंगे पंजाब आप सारे देखे थोड़े दिनों क्योंकि अच्छ आप कुछ कह नहीं सकते अभी तो कहते कि सरकार कामयाब होवे जेडे ना बाद इलेक्शन किए वो पूरे कर जनता को सहूलत दे जो जो इन्होंने कहा है वो पूरे करते जाके सरकार अभी समझे गए सरकार है। जे गलों ना चलाने वाली कद कोई सरकार नहीं चलती होंगे इस करके केजरीवाल जरा दिल्ली के राज कर रहे उतना का मसला माहौल हो रहा है पंजाब का माहौल हो रहा है उतों के लोगों के सिस्टम होर ने उतों के लोगों के सिस्टम होर ने उत्तर जरा रेवन्यू आ टैक्स आना है साब की जी इंडस्ट्री थी वो पहले मान योग जी सरकार अकाली दल की सरकार से कैप्टन साहब की सरकार रही है पंजाब की इंडस्ट्री को तो सारी उन्हें ही मारता इतों टैक्स टैक्स वगैरह सारे वो कितों आएंगे कितों साब चल रहेगा क्यों चला लूगा इस करके वीरो सरकार की भी जल्दी हवा निकल जानी है तो ज़्यादा टाइम लंबा नहीं लगना आ महीना पूरा होने वाला है। पीडीएम ने वादा किया कि हर महीने 1,000 रुपया जरा एक लेडीज के खाते आएगा तो 1,200 करोड़ रुपया बनेगा अगला 10 तरीक आने वाली है 11 तरीक में सवाल करा कि लियाओ जाके बीतियां 1,000 रुपया जरा देना सी पर वही पूरा कर लो चलो गैस का जरा काम है वो तुम बाद कर रहे जे पहले जोड़िया बताव पैना से तुम फिर से हाथ रखे कि पहनो तुम नवे सूट लोगे वो करोगे पहला वो ही कर लो एक थोड़ी शुरुआत फिर मैं लगता है वो भी होनी लगती नहीं आ पिंडा दे जो जान का मौका मिला मिलता है दुख सुख से मिलते हैं लोग आके जो पूछी है किए बी जी ठगे ठगे लगते हैं पता नहीं की होया पता ही नहीं की होया हवा आई वोटा पै गई वोटा जितके हूँ चलो ये काम करके विखाने तो फिर समझो तुम दसो इन्होंने काम किए आ 2-3 महीनों सरकार की कारगुजारी का सरकार ने किए वादे का वो सारा जरा पता वो 2-3 महीनों लग जाने उस तो बाद अपने आप महसूस करोगे कि साढ़े नाल की होया तो इस करके चलो मैं धन्यवाद करना इसे जे चानन वाले का स्कूल है बड़ा वधिया स्कूल है वो इतों मॉडल लेके गए कि फाजिलका का जो इतने मॉडल ये स्कूल है स्मार्ट स्कूल है ये पूरे पंजाब योजे स्कूल बनावे चलो किसी नूं मैं समझा कि कहना जिस आदमी ने मने कि पिछली सरकार ने 5 साल योजे स्कूल बना के दिता है तो तेरे पैसे लाए है उतों का डिसिपलिन इस तरह से दिता है तो योजा मॉडल लेके जाओगे तो मैं तो कहना धन्यवाद है कि सारे पंजाब के स्कूलों के करो मॉडल तो साढ़े फाजिलका का होगा तो इस करके भीरो इन्हों के कोलों कुछ नहीं होना ना को आ स्कूल चलाने वास्ते तुम देख लो एजुकेशन नीति किस तरह की आ रही है आ किताबा नहीं मिल रही हाहाकार मची है ब्लैकबेज किताबा बच्चों मिल रही है उन्होंने वर्दियां जो नहीं मिल रही है। तो इस तरह के सिस्टम जरा चालू है अज अपनी जरा मकसद है अज तो सिर्फ महंगाई के खिलाफ केंद्र की सरकार जी है उन्होंने घेरन की लड़ है केंद्र ने जो किस तरह का कंडे वरते हैं उसू सामने खड़न की लड़ है तगड़े हो जाओ जो तुम तगड़े नहीं होगे तो थोड़ू इन्होंने कमजोर कर देना है इन्होंने थोड़ा उठन जोगा नहीं छड़ना इस करके आप संघर्ष करने वास्ते तगड़े हो के सिस्टम हाईकमान जी है कांग्रेस पार्टी की वो सिस्टम बनाएगी कि किस तरह के नाल पंजाब दे कांग्रेस पार्टी उपर आ सकती है वो जल्दी बन जाना है। तो उस तो बाद जरा अभी हलका बाई जरा वो भी टूर लाने जो शुरू कर देने ता कि हरेक हफ्ते के जो साडे वोटर बेचारे सपोर्टर है जिन्हों मायूसी का सामना करना पे उन्होंने होर तगड़े होकर खड़े करांगे ता कि पंजाब दे फिर कांग्रेस की सरकार जी आने वास्ते चंगे दिन लैके आवेंगे कि पंजाब का विकास जी कांग्रेस पार्टी की सरकार ही कराएगी। हाँ मैं इलेक्शन में चलो मैं किसी को माड़ा तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं उस पार्टी चो श्रोमणी अकाली दल तो आया श्रोमणी अकाली दल ने जिस तरह का काम किया है वह भी साडा जो प्रधान पुराना सबका प्रधान सी देख के चुन चुन के किड़े अकाली दल के बंदे उन्होंने किने मारना है मारने वास्ते उन्हें आप पूरे हथकंडे वरते पैसा लाया सब कुछ किया पर फिर क्यों की होया वो आ भी गया तो बेचारे बजुर्ग भी लैके डुबया करके वो तो सब होगी जमा साफ होगी कदे अगे नहीं आ सकते इस करके हम सानू लामबंद होने की लड़ है योजे मसलों के महंगाई से किसान ज्यादा किसी का कुछ चक्कर होंगे तो वीरों मैं सारे वर्कर बेनती करना आगुआ बेनती करना एक टेबल इकट्ठे हो जाओ जो किसी के नाल कोई ज्यादा कोई चक्का करता है
साडा परिवार थोड़े नाल टिकाण वांग खड़ के रहेगा, किसी तो पिछा नहीं हटांगे किसी गल तो, जे किसी नाल कोई जाति करदा उहनूं इट दा जवाब पत्थर दे नाल देंगे ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਕੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਿਸਦਾ ਰੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੁਣ ਡਰਾਂਗੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਡਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਟੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁਬਾਇਆ। ਆਓ ਦੋ ਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सरदार दविंदर सिंह जी को आया जी, सिंह पाया जी, मोहन सिंह फलिया वाला जी, भाई समरबीर जी, राजभक्त जी, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी। सब तो पहला फतेह प्रवान करो, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो आप सारे पता है इकला कांग्रेस पार्टी का नहीं, मैं समझा सारे वर्ग का ही ये बनता है कि जरा हर परिवार कि सिलेंडर जाता है, हर परिवार जरा मोटरसाइकिल कार स्कूटर वो सफर करता है, और हर परिवार से मैं समझा कि जी मार पै रही है कि जरा पेट्रोल का रेट अज 100 तो पार हो गया, डीजल 90 तो पार है, सिलेंडर जरा 1000 तो बढ़ गया, और जी केंद्र की सरकार है जो उन्होंने आपकी सरकार बनाई थी तो यह कह के बनाई थी कि अच्छे दिन आएंगे, और उदो तुम सिलेंडर का रेट वेख लो, पेट्रोल डीजल का रेट वेख लो, और अज वेख लो। ये मैं समझा कि सारे वर्ग में ही मार पई है, किसानों ट्रांसपोर्टर हर एक। इंडिया में टीवी की न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर वाले बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटे के बटन को भी दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी न्यूज को देख पाएं।